जी नमस्ते, मैं निर्मल, आपको निर्मल डक फार्म में आपका स्वागत करते हैं। ये देख लीजिए मेरा बत्तख कितना है, बिल्कुल नहीं डर रही है ये जरा सा भी, क्योंकि हैचिंग भी मैं खुद ही किया हूँ। और इसका मान लीजिए 24 घंटे खाना खाना देना होता है, पानी देना होता है, इसके कारण से ये पक्षी जो है बिल्कुल ही नहीं डरता। ये बिल्कुल मेरे नज़दीक ही है, ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। बिहार में सहरसा जिला नौहट्टा बाजार गोरपारा गांव में है ये देख सकते हैं। कोई भी आदमी पालना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर दिया गया है वीडियो में, आप वहाँ से लेके कॉल कर सकते हैं। 10 पीस से स्टार्ट कीजिए, अगर दिल लग जाए तो फिर आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर आए हुए हैं तो ये सोच रहा है कि हमें खाना खाना मिलेगा, जबकि खाना जो है ये इसमें दिया हुआ है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने दे रखे हैं, ये देख लीजिए हमारा बत्तख फार्म है। ये 2018 में आपको 25 फरवरी को मैंने किया था ये इसको चालू, ये देख रहे हैं आप। यहाँ से 10 पीस 20 पीस यहाँ पर जो है बच्चा आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 500 1000 पीस जो है आप लीजिए तभी हम देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हम 2 पीस भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 10 पीस से लेके स्टार्ट कीजिए और देखिए दिल लगा के, अगर दिल लग जाता है तो आगे काम कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और हमने पिछले वीडियो में कुछ आपको मैंने बोला था कि आगे बच्चा हम दिखाएंगे आपका, तो वो थोड़ी सी गलती हो गया, थोड़ी सी माइलेज कर लिया कीजिएगा, क्योंकि हम कोई यूट्यूबर तो नहीं है कि इतने बोलने की हैबिट नहीं है मुझे, मैं साधारण सा आदमी हूँ। ये यूट्यूब तो मैं इसलिए यूट्यूब पर आया हूँ कि बस आप लोगों को जो है, जो आदमी रोज़गार करना चाहते हैं उसको मैं जो है कुछ मदद कर सकूं। यहाँ सहरसा जिला के आसपास के कोई भी आदमी है तो आप ये बच्चा ले सकते हैं मेरे पास से, ये देख रहे हैं इंडियन रेनर खाकी कैम्बल, ये दोनों मिक्स है, क्रॉस भी है इसका, ये देख रहे हैं ये सारे यहीं पर पैदा लिया है, सारे हैचिंग मशीन से हमने निकाले हैं, ये देख लीजिए। ये सिर्फ इसमें जो है अब आपका 2 पीस है जो मैंने बाहर से लाया हूँ, बाकी सारा यहीं पर हैच हुआ है ये। और इसका उम्र जो है करीब 7 महीने हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर बच्चा अगर निकलता है, कल तक निकलेगा, तो वो भी हम उसका भी वीडियो बना के लोड कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं।